बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। भारत दस्तक बहुजनों की हर खबर आपके घर तक। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यूपी चुनाव में। यूपी चुनाव की ये सबसे बड़ी अपडेट हो सकती है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल के ऊपर सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइज, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, यानी कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात हुई है। हाँ दोस्तों, दोनों ने मुलाकात करी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के घर पे। दोनों की मुलाकात के बाद माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी जल्द ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है। आपने देखा होगा लगातार कि जिस प्रकार से जो अखिलेश यादव जी है, कई सारे दलों के साथ गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं। अपना दल कृष्णा पटेल वाला, उसके साथ सुहेलदेव समाज पार्टी और अभी तो निषाद पार्टी को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और अब आजाद समाज पार्टी, तो अखिलेश यादव जी चाहते हैं एक बड़ा गठबंधन और उन्होंने अब अप्रोच किया है और बात चल रही है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी से। इससे पहले भी दोनों की एक मुलाकात हो चुकी थी, जिसमें सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी मौजूद थे, लेकिन उस समय चंद्रशेखर जी ने कोई भी गठबंधन की ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा था यह केवल एक आम मुलाकात है। अब एक मुलाकात अखिलेश यादव जी के साथ आज और हुई है। हाँ तो जो दोस्तों, आज 28 तारीख है, आज एक और मुलाकात की खबर आ रही है अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी का। और ये माना जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात के बाद कोई बड़ी बात निकल के सामने आने वाली है यूपी चुनाव में। हो सकता है दोनों पार्टी गठबंधन कर ले, हो सकता है समझौता कुछ इस प्रकार हो कि आजाद समाज पार्टी के हिस्से में वो सीटें आए जहां पर दलित वोट बैंक ज्यादा है। और माना जा सकता है सहारनपुर का इलाका हो गया, कुछ ऐसे इलाके जहां पर दलितों का वोट बैंक अच्छा खासा है और चंद्रशेखर जी अच्छी सीटें निकाल सकते हैं, वहां की कुछ हिस्से की कुछ सीटें चंद्रशेखर जी के हिस्से में आ जाए और समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन हो जाए, जिसके बाद हो सकता है कि एक गठबंधन इतना बड़ा हो कि भाजपा को प्रस्त कर दे, भाजपा को ध्वस्त कर दे और एक सरकार बने महागठबंधन की, जो कि समाजवादी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है और उसमें चंद्रशेखर आजाद जी का भी रोल हो। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जी पहले भी योगी जी को चेतावनी दे चुके हैं और चैलेंज भी दे चुके हैं उनके सामने चुनाव लड़ने का, लेकिन आपको पता ही होगा योगी जी तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो पीछे के रास्ते से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बड़ी खबर अभी भी यही है कि आजाद समाज पार्टी और जो समाजवादी पार्टी है, दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की आज मुलाकात हुई है 28 नवंबर को। हो सकता है आगे कोई बड़ी अपडेट आए, बड़ी खबर आए, तो इंतजार कीजिए और बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए भारत दस्तक को, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। भारत दस्तक बहुजनों की हर खबर आपके घर तक।